अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? ले भाई जी, शाहपुर कायरा मंडी बैठने से का दिन है, माल शाल कोई भी नहीं आया, वरना मैंने बाहर एंट्रेंस से वीडियो थोड़ी सी बनानी थी, लेकिन माल बिल्कुल भी नहीं आया। मंडी आपके सामने देख लें खाली है, कल 10 मरम की छुट्टी थी और अब ये सूरत हाल है। थोड़ा सा जानवर दिखाता हूँ जितने थोड़े बहुत हैं, वीडियो लास्ट तक देखनी, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है आपने। ये सारी मिक्सी वीडियो होनी है क्योंकि माल शाल आपके सामने कोई भी नहीं है, थोड़ा बहुत माल है। तो यहाँ से आप खाते हैं, ये भी इनके ईद के बच्चे हैं, खस्सी बकरे हैं सारे राजनपुरी, इनसे पैसे पूछते हैं देसी क्रॉस में। भजन क्या हाल है? ठीक है सर, कितने कितने पैसे मांग रहे हैं इन बकरों के? बकरों के भाई 45-45 हज़ार। ईद पे आपके बकरे बच गए थे? यही बचे थे कि और भी बचे थे जानवर? बस यही बचे हैं। अच्छा, इसमें सारे ही आंडल हैं, खस्सी कोई भी नहीं है? आंडल बकरे हैं जी, 45-45 हज़ार मांग रहे हैं। ये चेक कर लें, दो दांत चार दांत में बकरे हैं देसी क्रॉस में। तो जिस किसी ने लेने हो तो आप मंडी में आके विज़िट कर सकते हो। 45-45 उन्होंने मांगा, लेकिन ये आपका 30-28-30 का बन जाएगा जानवर कोई भी। खाली है मंडी, कुछ भी नहीं है। ये आप कजले वाली साइड भी दिखा देते हैं, बाहर पट्टी पे कुछ भी नहीं है, उधर से ही मैं आया हूँ। अगर वहाँ पर कुछ होता ना तो थोड़ा बहुत मैं कवर कर लेता। बहरहाल ये पक्के अड्डे वाले यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर थोड़े दिन पहले मुंदरे थे। ओ जनाब, खजल हो रहे हो फिर? ये हैदराबादी देसी ले ले, चक्कर ही पड़ा आज। वैसे मैंने आज बिल्कुल नहीं आना था, क्योंकि मुझे पता था माल आना ही नहीं है पीछे से। ये छोटे बच्चे हैं, इतना छोटा बच्चे सारे, ये सारे भजन देसी, और ये चौक आजम से, और देसी ले लें ये जैकबाबादी क्रॉस में देसी ले लें। ये चेक करो इनके पैसे। ये गजलों वाली साइड पे से तीन गाड़ियाँ आई हैं, तो खैर आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे मैं इनकी अलग से वीडियो बनानी थी, लेकिन माल ना होने की वजह से ये भी मंडी में सलोन बन गया। मंडी में भाई सलोन बढ़ गया, आरजी सलोन। कटिंग शटिंग कराओ अपनी आके इधर। ये भाई कितने पैसे मांग रहे हैं जोड़ी के? ये चेक करो जोड़ी से, दसो जोड़ी का भाई 85 हज़ार। 85 हज़ार ये देसी छतरे हैं भैया, ये जैकबाबादी क्रॉस में, जो प्योर जैकबाबादी होती है ना, उसके नकोड़ आगे से बहुत बड़ा होता है और कान थोड़े से बंद होते हैं। ये देसी देसी ले लें आप, इनको जैकबाबादी क्रॉस कह सकते हो आप। सिंध के बकरे ले लें ये। ये जी अब कजले बराए नाम, ये चेक करें भाई, ये भजन सारे बच्चे, मादियाँ शादियाँ। चाचा मलंगी क्या हाल है? ये चाचे के पास ये मादियाँ खड़ी हैं। माल भजन ये आपके सामने, जनाब क्या हाल है? ठीक हो? ये छोटे ये सारे मादियाँ लेले सेले खड़े हैं इधर। माल कोई इतना ख़ास नहीं है आपके सामने, छोटा सा माल है, थोड़ा वहाँ बहुत छोटा सा कम है माल सारा। ये जुवेद भाई का माल है ये वाला, इसमें आपको 25-30 हज़ार रुपये का नॉर्मल लेला मिल जाएगा। शौक वाली चीज़, उसके पैसे बहुत बढ़ने पड़ने हैं आपको, लेकिन काम का लेला कोई भी नहीं है। बस आप ये दिल पे शोरी करो, ये छोटे बच्चे हैं। अगर बहुत बड़ा बकरा भी हो ना आपको पसंद आ रहा हो, इस कंडीशन में नहीं लेना। इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए क्या सूरत हाल है। अब ये चेक करें, चाची यारी का माल है, राजनपुरी बच्चे हैं सारे छोटे बड़े। मंडी में कुछ भी नहीं है, अंदर बाहर से मैं सारा आया हूँ, पट्टी पर कोई माल शाल नहीं है। इस वजह से इसी वीडियो में आपको सारे क्लिप्स जोड़ दूंगा मैं, ये वाले राजनपुरी बच्चे चाचा यारी के, ये चाचा यारी का माल है। इसमें बड़े छोटे बच्चे आपको सारे मिल जाएंगे, कम से कम ये बच्चा देते हैं इसका मांगते हैं 45 हज़ार रुपया, 45-50, ये 55-60, इस तरह करके ये इनके रेट हैं। ये बच्चे हैं चाचा यारी के, और ये चेक करें 45 हज़ार रुपये इस बच्चे की डिमांड है ये वाला। ये दोनों का 90 हज़ार मांग रहे हैं, 45-45, और ये छोटे बच्चे हैं, इनका मांगते हैं 35-40, 35-40, 30 के अंदर बाहर दे देते हैं ये वाले आपको। ये पट्ठे भी हैं, इसमें नार भी हैं छोटे मोटे, पर मैं तो आपको यही कहूँगा इतना छोटा बच्चा नहीं लेना, बस ऐसे शौक के लिए देख लो। कम से कम इस उम्र में बकरा लेना है आपने, इतना 6-7 महीने 8 महीने, बाकी वो जो छोटे बच्चे हैं वो आपको 22-18, 22-18, 20, लेकिन उन्होंने ग्रोथ कोई नहीं करनी, आप जो मर्ज़ी कर लो उनको, बकरी के नीचे भी लगा दो, क्योंकि जो उनका टाइम होता है ना, जिस टाइम पे इनको दूध लगना होता है वो टाइम गुजर चुका होता है, कि बकरियों के नीचे से उठा के बेच देते हैं, फिर इनकी ग्रोथ नहीं होती उस तरह। ये देखें जी चेचे, ये ले लें सारे, नाम ही भूल गया मुझे,
गर्मी है उपर धूप बड़ी तेज हो गई है। शराज भाई का माल है जी ये सारा, ये चेक करें चारों चारों नारा, चेक करें चारों नारा, दो कक्के हैं और दो निशानों में, ये आप चेक करो। ये अभी दिन का सौदा हो रहा है, निशानों में लेला है माशाल्लाह, खूबसूरत लेला, लेकिन फेस आगे से थोड़ा सा, कानों में कमी नहीं है, कान इसके पूरे हैं, कान पूरे हैं इसके, 60,000 रुपये इसकी कीमत है और 60,000 इसकी है, 120 जोड़ी का। ये बच्चा बहुत अच्छा बनेगा ये वाला, पर इसका कान नीचे से थोड़ा सा ख़राब है, कान थोड़ा सा नीचे से ख़राब है, वो ख़राब ऐसे नहीं होता, पानी वगैरह पड़ जाता है या फिर कोई चीज़ लग जाती है चढ़ते हुए ना, कोई अगर इनको लग जाए ना कील वगैरह या कोई पत्ते का कोई छिलतर वगैरह लग जाए उसमें पानी पड़ जाता है, फिर ये थोड़ी बेगोरी करते हैं, फिर वो कान स्वेलिंग हो जाती है, कान में जो स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर जब स्वेर हो जाए तो फिर कान भी काटना पड़ता है और इस मसले के अंदर जानवर की जान भी चली जाती है, तो ये बड़ा मामला हो जाते हैं इसके ना। वो छोटे बच्चे हैं उनके पूछते हैं, नहीं वो मादी हैं, हमने ये तेरी मौज है यकीन मान को शाह भाई दियो नहीं करी पैसे लगा ले। ये जोड़ी के पैसे कितने लगाए शराब भाई ने, कितने पैसे लगाए इन्होंने? एक लाने एक कड़ा हैला कितने लगा के? 50 लगा के गए हैं बस, कोई इतना फ़र्क नहीं था, कोई 10-12,000 से फ़र्क था, कितना का फ़र्क? 65 किया मैं, वही बात की है ना, ये इनको 55 का इसने दे देना अगर उनका मूड हो तो। मैंने अब कहा था ना 60-60 मांगा, तो 65 मांगा, 60 मांगा, बस ये 5-10,000 ऊपर नीचे करते हैं। 50 लगा के गए हैं इस बच्चे का, बच्चा माशाल्लाह अच्छा है, लेंथ स्ट्रेंथ में अच्छा है, पर मेहनत है इसके ऊपर 2 साल की। ये सारे मामला थे इधर, बाकी बाहर भी जाके आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है, कुछ भी नहीं है मंडी में, माल शाल कोई इतना ख़ास नहीं है, ये छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे। ये आप आओ देखो मंडी की क्या सूरत हाल है, कोई इतना ख़ास माल नहीं है। ये चेक करें बॉस, बाकी निकलते हैं हम आगे बाहर वाली साइड पे, मैं कहता हूँ थोड़ा सा जानवर आपको दिखा दूँ, पर पट्टी पे भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है। खैर जी ये चेक करें भाई, ये दुम्बू वाले हैं, फकरों वाले, यार माल कोई है नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा वीडियो का। ये चेक करें, ये भी ईद की, ईद के बच्चे हुए हैं बकरे इन बंदे के, ये बंदा व्यापारी मंडी का अंदर वाला। ये बॉस चेक करें, ये छोटे बच्चे हैं सारे, खीरे खीरे दुम्बे। पापा की हाल है? पापा दुम्बा किने किने का? 30,000। ये बाबे के पास दुम्बे हैं 30-30,000 रुपये के। पापा यहाँ ले किने किने दे? ले किने किने दे? 35-35,000 ये मांग रहे हैं, 35-35,000, लेकिन 27-25, 28-28 तक देंगे आपको। ये 30-30 मांग रहे हैं, ये भी आपको फाइनल किने देंगे? किन्ने किन्ने दे होंगे? 30 तो मंगे ही ना, ये 24-25 तक आपको मिल जाएगा दुम्बा, दे देंगे ना 25,000 का, 25,000 में दे देंगे जी आपको। छोटे दुम्बे हैं ये, कद कुद कोई नहीं करना, सिर्फ वजन वजन बढ़ाना इन्होंने। जो हाइट वाले लेंथ वाले दुम्बे हैं ना, वो आपको देख के पता लग जाएगा, नाड़ी बंदे को भी देख के पता लग जाएगा कि ये बनने वाले हैं। ये सारा सिंधी माल है और मंडी में कुछ भी नहीं है, मामला सारे मंडी के ऐसे ही हैं। ये चेक करें जी, बकरियों वाला प्लाट, बाहर कुछ भी नहीं है यार, खाली है सारा सीन। ये बॉस चेक करो, ये बकरियों वाला प्लाट है, मैं इधर तकरीबन कोई 4 महीने बाद आके वीडियो बना रहा हूँ बकरियों की, बकरियाँ है ही नहीं, बड़ा ही नाम है बस, कोई ख़ास जानवर नहीं है शाहपुर कांजरा मंडी में। ये चेक करें जी, एक बकरी, दो बकरी, सारे एक बच्चा है गब्बन, फ्रेमों में जानवर देखें। अब ये बकरियाँ सारी दोगली बकरियाँ, दोगली 8-8 दांत है मुंह से, पूरी पूरी दांत है, हाइट आप चेक कर लो 4 पाई की, और इसकी हाइट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी बकरी है। नॉर्मल सी बकरी है, कोई इतनी ख़ास बड़ी नहीं है। तो पैसे भी पूछते हैं, कोई गब्बन बकरियाँ भी देखते हैं बच्चों वाली। ये मामलात हैं भाई सारे, इस बंदे के पास भी है चीनी बकरी है, 7 मादियाँ नीचे नर मादी हैं, पैसे पूछ के आपको बताता हूँ। तो जी क्या हाल है, ये बकरी कितने की है? नीचे 2 पट्ठे हैं इसके, दोनों पट्ठे हैं, कितने पैसे हैं बकरी के? 1,010। और ये वाली आगे वाली, इसका भी
इसके साथ दो बच्चे हैं कि एक बच्चा है? इसके कितने पैसे हैं? एक लाख, एक दस, एक दस, दोनों के नीचे मादी हैं दो दो। ये चेक करें, पर ये सौदा आपका 50-55 का बना है। इस भाई के पास भी देसी बकरी हैं, दोनों गबन हैं और एक के साथ पट्ठे हैं, एक के साथ नार है। ये पता है करते हैं जानवर के साथ बच्चा कोई भी नहीं ना होता, ये फिर भी लगा देते हैं। ये बड़े कारीगर लोग हैं। प्लाट में कुछ भी नहीं है यार, मैं क्या दिखाऊं इस प्लाट में, ना किसी काम का जानवर नहीं है। ये सारी सूरत हाल है। आज मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाता दो तीन, पर मंडी में माल ही नहीं आया क्योंकि कुछ रास्ते भी बंद थे उसकी वजह से, और दो दिन तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं थे। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। आप भी कह रहे होंगे कि यार ये खाली मंडी दिखा रहा है, पर भाई अब कुछ ना कुछ तो दिखाना ना, खाली है जो भी है दिखाना तो है आपको। ये सारा मामला है शाहपुर कायरा मंडी में। ये एक दुम्बा खड़ा है, मंडी बिल्कुल खाली है यार, वो बाहर भी कुछ नहीं है। ये एक मेंढा, ये भी किसी ने लिया यहाँ पे। ये फंडर माल है सारा, वो पक्के अड्डे वाले बंदे हैं। लो जी ये आप चेक कर लो, आज बुध का दिन है लेकिन मंडी में कुछ भी नहीं है। खैर जी ये सूरत हाल शाहपुर कायरा मंडी की सारी आपको दिखा दी है। इधर उधर से सारा काटू माल, ये सिंधी सदके के बकरे। अब इन्होंने ये जो बकरे सारे खड़े हैं ना, सारे खस्सी बकरे हैं ईद के बचे हुए। अब मजबूरी है, इन्होंने यहाँ पे ऊंचा करके बांध दिए हैं, तो ये सारे बेचने हैं इन्होंने। ये तुर्की दुम्बे आपको दिखा देते हैं, इनके नॉर्मल दुम्बा इनके पास 40,000 से लेके 55-60 तक ये पैसे मांगते हैं। खान भाई क्या हाल है, ठीक हो? ये चेक कर खान भाई कितने कितने का? अब तो ईद गुजर गई ना, 100-150 रुपये किलो है भाई। अच्छा जानवर का बीमारी है ये नहीं और ये 70-70 मांग रहे हैं, कितने कितने का बनेगा? ये 50-55 का आपको दे देंगे। ये सारे बड़े दुम्बे हैं, छोटे दुम्बे कोई नहीं है ईद पे। यही दुम्बे 90, 1-10, 90, 1-10, 85, 1-10 इतने इतने पैसे मांग रहे थे। ये सारे सारे मामला था भाई शाहपुर कायरा मंडी के, और ये सीन है। बाकी जी इंशाल्लाह ताला आगे मेरी वीडियो आती रहेंगी। ये वीडियो थोड़ी सी बनी है लेकिन मेरी कोशिश थी कुछ आपको दिखा दूँ, लेकिन माल ही नहीं है मंडी में। खैर जी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर रहीम यार खान की मंडी में। अल्लाह हाफिज़।